ये कटिंग स्किल्स देखो यार, स्ट्रीट साइड में ना आपने वेजिटेबल्स की ऐसी कटिंग स्किल्स देखी ही नहीं होगी। चलो दिखाता हूँ, आप पूरी वीडियो में बने रहना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से कमेंट सब्सक्राइब करना यार मत भूलना। तो जी हाँ दोस्तों, ये आपने वेजिटेबल्स देखिए, वेजीज देखिए और पहचानिए मैं कहाँ पर आया हूँ। अभी नहीं बताऊँगा, पहले आप देखिए, क्योंकि ये सेटअप ना मेरे को लग रहा है पूरी दिल्ली में भाई इकलौता ही है अभी तक तो, जो हमें पता चला है जितना हमने सर्च किया है उसके अलावा नहीं है कहीं पर। तो चलो मैं दिखाता हूँ आप, ये है दोस्तों रैप हट पे, कहाँ पर है, तिलक नगर में। अगर आप देखेंगे ये 7 मंजिला मंदिर, और यहाँ पर ये शेफ विक्रम हमारे ये बनाते हैं हेल्दी राइस। भाई इन्होंने एक लीग शुरू कर दी, इन्होंने कहा मैं इंडिया को हेल्दी बनाऊँगा, अभी तो नहीं दिल्ली को हेल्दी बनाने में लगे हैं। और रैप्स जब मैं आपको दिखाऊँगा ना कौन कौन से हैं इनके पास, आँखें चौंधे आ जाएगी हकीकत में। देखो मैं पहले रैप्स दिखाता हूँ, आप ये देखो, ये देखिए दोस्तों टॉर्टिला रैप्स, जो बहुत मोस्ट फेमस इनके सारे रैप है। ये देखिए स्पेशल, जिस पे स्पेशल लिखा है ना भाई वो हकीकत में स्पेशल है। और ये गन पाउडर क्या बात है, हकीकत में मज़ेदार है। ये देखिए इम्यूनिटी बूस्ट सैलेड्स दोस्तों यहाँ पर आपको मिलेगी, देख लीजिए जो स्पेशल जो मार्क्ड है ना रेड से, भाई वो यहाँ की स्पेशलिटी है, वो आप ज़रूर ट्राई करिए। पास्ता और ये बर्गर और सैंडविचेस भी हैं। और अभी ये दोस्तों यहाँ पर आप वेजिस देखिए कितनी सुंदर है, ये देखो सारा तो नाम तो भाई हमें भी नहीं पता, जिन जिन के नाम पता वो आप यार अपने आप पहचान लेना। ये देखो है ना भाई मज़ेदार चीज़, और वहाँ पर भाई सॉसेस रखी हुई हैं। और सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पर मेरे को ये लगी है, देखिए बल्क में नहीं बना हुआ कुछ, ये सिर्फ 2 से या 3 रैप का सामान एक साथ बनाते हैं, उसके बाद फिर से दोस्तों फ्रेश बनता है। सबसे अच्छी चीज़ जो है यहाँ पर सारी की सारी जो वेजिटेबल्स हैं ना वो धोके करते हैं। मैं आपको मैं आगे शॉर्ट्स दिखाऊँगा, शॉर्ट्स क्या पूरी वीडियो देखना जिसमें इन्होंने हर चीज़ भाई धोके डाली है। चलिए अब करेंगे यार सर से बात। हाँ ठीक है, सर चलिए सर से थोड़ा सा फ्री हो जाए। हाँ जी सर, क्या हाल है आपके? बहुत अच्छा सर। तो भैया कितने टाइम से, कितने टाइम हो गया आपको? अप्रॉक्सीमेटली 2.5 साल हो गए। 2.5 साल हो गए, तो सर कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है? बहुत अच्छा सर। तो सर क्या सोचा सर आपने, जैसे रैप्स का जब भी नाम आता है तो हेल्दी का तो सर नाम आता ही नहीं है, कुछ ना कुछ सर उसमें चीज़ ऐसी डली हुई है जो अनहेल्दी बना देती है उस चीज़ को, तो सर आपने कैसे सोचा कि हेल्दी रैप्स के मैं शुरू करता हूँ? हेल्दी शुरू करने के लिए बस सोचो, आइटम बनाओ और चलाओ। क्योंकि सर आपको तो देखो पता ही है दिल्ली में ना हेल्दी के नाम पर ना लोग सोचते हैं कि भाई बेकार ही पाएगा, कुछ नहीं होता हेल्दी के नाम पर, सब है ना हेल्दी का ही आता है। क्या होता है ना लोगों को टेस्ट की ना आदत पड़ चुकी है, हर चीज़ में मोमो मोमो चटनी ढूंढते हैं। हाँ तीखा तीखापन, हाँ तीखापन हो गया। हेल्दी खाना ऐसा नहीं होता है, थोड़ा आपको टेस्ट से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा तभी हेल्दी कर पाओगे। और हेल्दी खाना सेहत के लिए अच्छा होता है इसलिए हेल्दी खाना खाते हैं। बिल्कुल सर, हेल्दी कहने का मतलब लाइट खाना, लाइट खाना, लाइट खाना, आपको आपके शरीर को ज़्यादा मतलब मशक्कत ना करनी पड़े उसे पचाने के लिए, उसको कहते हैं हेल्दी खाना। ओके ओके ओके। तो सर एक चीज़ और बताइए, टाइमिंग्स बता दीजिए सर पहले तो हमें आप अपनी। टाइमिंग 4 बजे से लेके 10-10:30 बजे तक होते हैं। और कोई डे सर ऑफ रहता है? बुधवार को करते हैं। बुधवार को, ओके ओके। सर ऑनलाइन डिलीवरी भी है या यहीं पर ही आकर खाना होता है? अभी तो ऑफलाइन ही है, अभी सब कुछ ऑफलाइन चल रहा है। ओके सर, ओके ओके ओके। तो सर एक चीज़ और बताइए, जो वहाँ पर सॉसेज रखी हुई हैं सर, वो मतलब इतनी क्वांटिटी डलती है कि वो अनहेल्दी बन जाए या हेल्दी के पैरामीटर में ही रहता है वो? सॉस मेरे पास 2 कैटेगरी में मेन्यू है, जिसको सॉसेजेस खाने हैं उसके लिए अलग है, जिसको हेल्दी खाना है जैसे ड्रेसिंग खानी है, ड्रेसिंग क्या होती है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल से बनती है या नेचुरल चीज़ों से बनती है। तो कुछ रैप है उससे बनाता हूँ और कुछ रैप है लोग कैसे खाते हैं वैसा वैसे। अगर जिसको प्योर हेल्दी खाना उसमें सॉसेज डलती हैं सर? देखो सॉसेज खाना तो बुरी नहीं होती है, बाकी ये कितनी क्वांटिटी खा रहे हो, क्वांटिटी कितनी खा रहे हो, तो हम सर टच करते हैं ज़्यादा, मतलब सब्जियों का भी फ्लेवर देते हैं और जो हमारा पनीर भी होता है वो भी अच्छी क्वांटिटी का मतलब क्वालिटी का होता है और क्वांटिटी लेस ही डालते हैं, सिर्फ सब्जियाँ ओवर डालते हैं। तो मेन फोकस वही वेजिटेबल्स पे है क्योंकि सबसे इजीली डाइजेस्ट होने वाली चीज़ ही वही है सर, वो तो है ही है ना, उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, एक रोटी को 45 मिनट लगते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये सब्जियों को इतना टाइम नहीं लगता और बहुत ईजी होती है डाइजेस्ट करने के लिए सर। अगर हाँ हाँ बोलिए बोलिए, सिस्टम भी पता चल जाता है। बिल्कुल हाँ हाँ सर। सर जो रैप में रोटी लगती है वो सर एक ही तरीके की है या मल्टीपल वेराइटीज होती है या कैसे क्या सिस्टम है सर? अलग अलग तरीके से बनाते हैं, पालक की होती है, घी की होती है, पालक की होती है, फिर हल्दी की होती है, काले अंगूर की होती है, अभी काले अंगूर महंगे हो जाएंगे तो जामुन सस्ते हो जाएंगे तो जामुन की बनेगी। अच्छा, ऐसे अच्छा।
ओके। तो दोस्तों प्रेफरेंसेस आप देख लेना, नहीं तो आप एक काम करना जो अवेलेबल हो वो ले लेना, क्योंकि भाई सब में देखिए असॉर्टेड वेजेस तो दोस्तों ये डलेंगी ही ना सारी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब अंदर चल के आपको मैं मेकिंग वगैरह सब भाई यहाँ के दिखाता हूँ। तो चलिए दोस्तों भाई सबसे पहले ना आप कटिंग स्किल्स देखिए शेफ विक्रम जी की। देखो भाई ये कट रही है गाजर, मतलब स्ट्रीट साइड में ना आपको ऐसी कटिंग स्किल्स भाई कहीं देखने को नहीं मिलेगी प्रॉपर। जब मैंने देखी थी ना मुझे पता नहीं था ये शेफ है, जब बाद में पता चला ना तब समझ में आया कि भाई ऐसी कटिंग्स तो जनरली हम देखते हैं ना वो शेफ्स की ही होती है, जैसे आप वो शोज़ वगैरह में भी देखते हो। तो स्ट्रीट साइड में भाई मास्टर शेफ हैं ये हमारे, तो ऐसी कटिंग्स ऐसी वेजिटेबल्स ऐसी चीज़ें भाई मुश्किल हैं मिलनी। देखिए असॉर्टेड वेजेस देखिए भाई कितने सारे वेजेज है, प्याज भी है, खीरा भी है, गाजर भी है, बेल पेपर्स भी है, टमाटर भी हैं इसमें, और भी जितना कुछ रखा हुआ है ना जो जो सब भाई आपको मिल जाएगा, जो इन्होंने रैप्स निकाले हैं उसके अकॉर्डिंग जो जो इसमें फिलिंग होती है। और इसको भाई देखो गर्म करने के लिए ना ज़्यादा कुछ तेल वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ इतना ही असॉर्ट करते हैं जिससे कि आपके रैप में ना आपको अच्छा लगे। ये देखिए थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा मसाला डाल के बस इसको ऐसे ही चलाते जाएंगे और ऐसे ही देखो ये हो गया बस। और ये एक तरीके से ना यार आपकी सैलड भी बन गई, अगर किसी को वेज सैलड का भी ऑप्शन लेना हो ना तो वो भी, ये देखो बस यही होगी आपकी वेजिटेबल सैलड। और ये देखो अब फिर से देख लो कटिंग स्किल्स, मतलब कि जितना ये आपने कढ़ाई में वेजिटेबल्स देखी है ना उतनी बस ये तीन चार ऐप की वेजिटेबल्स बनाते हैं, बल्क में कुछ नहीं बना के रखते क्योंकि आपने कढ़ाई से भी अंदाज़ा लगा ही लिया हुआ। ये है दोस्तों बीट रूट की रोटी, अभी तो कच्ची है, अब इसको देखिए सर ने स्टार्टिंग में बताया था ना वर्जिन ऑलिव ऑयल डालते हैं ये, तो उससे डाल के उससे सेकते हैं, और सेकते भी इतनी ओवर कुकड नहीं होती है, भी नॉर्मल कुकड होती है, बस इतना ही सेकते हैं कि भाई जिससे कि ना स्वाद आ जाए बस आपका। अनहेल्दी तो यहाँ पर ऑप्शन है ही नहीं ना, ब्रोकली भी कटती है यहाँ पर, और भाई पता नहीं चीज़ें क्या क्या रखी, एवोकाडो भी रखा हुआ है, ड्रैगन फ्रूट भी रखा हुआ है। तो चलो भाई ये देखो ये लगने जा रहा है वेज रैप, फिर मैं बताऊँगा मैंने कौन सा रैप लिया है। रोटी सर ने बताई दी थी भाई कौन कौन सी, और इतनी तरीके की रोटी सारी एक जगह पर भाई यहीं पर ही मिलती है रैप अट पे शेफ विक्रम जी के यहाँ पर। और देखो ये लगने जा रहा है वेज रैप, अभी सॉसेस जो बहुत सारी सॉसेस है तो ये भाई इन्हीं को ही पता है, जैसे मतलब आप सब्वे वगैरह जाते हो ना सॉसेस के चुनाव करते हो भाई वैसे ही है, थोड़े से इस पे बस ये चिली सॉस डल जाती है, बारबेक्यू होती है, मस्टर्ड होती है, और मेयोनीज होती है, और गाढ़ी दही भी होती है, हंकड़ जिसे आप बोलते हो ना तो वो भी मिल जाती है यहाँ पर। देखो बीन्स भी रखे हुए हैं यार यहाँ पर, ब्रोकली भी दिख रही है भाई हमें तो, ड्रैगन फ्रूट भी दिख रहा है, एवोकाडो भी है, मशरूम भी है, क्या क्या कुछ नहीं है यहाँ पर यार। और ये कैबेज है देखो, तो ये मेरा लगने जा रहा है वेज फजीतो रैप। यहाँ पर एक कस्टमर थे उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया था कि उसमें सारी चीज़ें ऑलमोस्ट आ जाती है, तो भाई हमने उन्हीं की डिमांड पर अपना रैप लगवाया है। तो चलो देखते हैं वेजेस तो भाई वही जाएंगी सारी, तो हमने थोड़ी सी ना सॉसेस ज़्यादा करवाएंगे क्योंकि हमें चाहिए टेस्ट, और हेल्दी भी है तो थोड़ा सा हल्का सा अनहेल्दी बस उसको इसमें बनाएंगे हम कि सॉसेस थोड़ी एक्स्ट्रा लगवा लेंगे। ये चटनी डल गई इसके ऊपर, और ये दोस्तों दही है, हंकड़ गाड़ी गाड़ी मेयोनीज नहीं है ये मैंने पता किया था, और ये देखो लेटस एक तो हेल्दी चीज़, और ये पनीर वो भी अच्छी क्वालिटी का, और साथ में वो रखे हुए अपनी कैबेज है ये भी, मतलब इतनी तरीके की चीज़ें सिर्फ एक ही जगह पे मिलती है। और आप भी आओ रैपट पे तो कुछ भी खा सकते हो, लेकिन रैप्स हैं तो रैप्स में इनकी स्पेशलिटी है तो आपको रैप्स ही ट्राई करने चाहिए। ये पनीर आ गया भाई अपना फज्जी तो रैप, रेट्स वगैरह स्टार्टिंग में मैंने आपको सारे दिखा दिए थे, टाइमिंग्स भी बता दी, तो बस अब फिर इसको टेस्ट बताऊँगा। ये देखो इसमें अब देख लो क्या क्या कटा हुआ है, कैरेट है, बेल पेपर्स है, टोमेटो है, क्यूकम्बर भी है, और बेल पेपर भी दो तीन तरीके की है भाई, लाल पीली हरी तीन तरीके की है। और बस अब इसके अंदर जाएंगी सॉसेस जो हमें एक्चुअल में भाई नहीं पता है, शायद मिंट मेयोनीज है, ये थोड़ी सी चिली सॉस, और ये रेड चिली, और भाई ये नहीं पता क्या है, बारबेक्यू टाइप मतलब मस्टर्ड सॉस, जो भी जितनी भी सॉसेस आपको मिलती है ना मतलब जैसे सब्वे पे जाते हो तो वही सब कुछ है यहाँ पर, ये शायद पता नहीं भाई ये नहीं पता लग रहा हमें। तो चलो कोई बात नहीं, आप बाकी सॉसेस पता कर सकते हैं जोन जोन से आपको डलवानी हो, ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, लेकिन हमने कुछ एक्स्ट्रा सॉसेस का कुछ हमने ऑप्शन चूज़ नहीं करा था, जो फजीतो रैप में डलती है हमने वही सब लिया जितनी क्वान्टिटी में डलती है, कोई ना बढ़वाई ना घटवाई, तो अगर आपको ऐसा करना हो तो आप कर सकते हैं, आप पर कस्टमाइज़ हो जाएगी चीज़ें, ठीक है। तो अपना दोस्तों फजीतो रैप पेट में जाने के लिए बिल्कुल रेडी, और इतना सुंदर रैप पेट में जाएगा फिर हम आपको उसका रिव्यू देते हैं।
ओके सो गाइस, दिस इज़ द रैप। ये देखो यार, और प्रेजेंटेशन देखो कितनी खूबसूरत है यार। मतलब देखते ना मन नहीं करेगा कि ना खाओ, देखते बड़ा टूट पड़ा। देखो क्लियरली आपको बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दिखी होगी। साथ में भाई ऐसे कप में देते हैं, टिशू भी लगा हुआ है, तो भाई बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीका। और अब हमें दिक्कत ये लग रही है कि बस हम इसको खाएंगे कैसे, क्योंकि इतना लोडेड रैप है। देखा लेटस भी है, और ये पता नहीं क्या है भाई। ये देखो बेल पेपर्स कितने सारे हैं, और भाई कमाल की चीज़ है यार ये तो। यही तो खाने आए हैं, यही तो देखने आए हैं। चलो ऐसे ही खाएंगे जैसे सब खाते हैं। ओके लेट्स हैव अ बाइट नाउ। भाई ज़बरदस्त रैप यार दोस्तों। देखो मतलब कि धीरे धीरे वो जो फ्रेशनेस फील होती है ना भाई, वो पता चल रहा है कि ना हेल्दी रैप है। सोसेस तो यार देखो, आपको डलवानी हो डलवाओ, मत डलवानी तो आपकी मर्जी है। अगर आपको सिंपल खाने, लेकिन जो रोटी है ना बीट रोट की भाई, वो बहुत ज़बरदस्त है। एक हेल्दी ऑप्शन है भाई ये, और सिर्फ 140 रुपये में ये इनका स्पेशल फजीतो रैप। क्या बात है यार, एक बार और खाऊंगा मैं तो, मज़ा आ रहा है। मतलब चीज़ भाई बहुत भर भर के, प्रोटीन रिच भी है, बीट रूट भी तो डला हुआ है ना, और साथ में पनीर भी है। तो भाई जब भी आपका तिलक नगर साइड आना हो ना, सर को पहचान लो और इनके कार्ड देख लो, रैपट के नाम से है। तो भाई भूलना मत यार, यहाँ पर आना दोस्तों, एक बार तो यार आना बनता है। क्योंकि भाई जो सॉसेस के साथ जो खेला है ना भाई, वो तो लाजवाब है। और सॉसेस मैं रिवील नहीं कर सकता कौन कौन सी है, फिर भाई स्पेशलिटी क्या रहेगी, आप घर पे बना लोगे यार, यहाँ पर आकर खाओगे नहीं। स्वाद आ गया। और घर पर आप ऐसी वेजिस बेशक से ना खाओ, लेकिन भाई यहाँ पर खाओगे, क्योंकि सॉसेस डल के जो सर ने तड़का मारा है ना, तड़का नहीं छक्का मारा है, अल्टीमेट है भाई, हमें तो इसी में स्वाद आ गया। तो चलो यार मैं इसको ना फटाफट फिनिश करता हूँ, और मिलता हूँ आपसे हमारे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए शुक्रिया, और इस रैप को तो भाई मेरा बिग थम्स अप, 5 on 5 रैप। चलिए दोस्तों मिलते हैं भाई अगले व्लॉग में।